1989 से कांग्रेस में सक्रिय रूप से रांची जिला में रहा हूँ। रांची लोकसभा का मैंने पूरे दौरा किया हूँ, लगभग 35 साल से एक एक कस्बा, एक एक गली, एक एक गांव में मेरा पहचान है, व्यक्तिगत छवि भी है। और मैं चाह रहा हूँ इस बार कांग्रेस पार्टी मुझे रांची लोकसभा से उम्मीदवार बनाए और मैं निश्चित रूप से इस लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में दूंगा। और मैं अपना दावा पेश कर दिया हूँ हाईकमान को कि मैं एक रांची लोकसभा का कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी चाहता हूँ। तो अभी इस वक्त जो है कि आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में आप पूरे रांची लोकसभा में आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको अगर टिकट मिल जाती है तो आप किस तरह से आप क्षेत्र में जाएंगे और कैसे चुनाव आप जो है अपना सीट निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, तैयारी कैसे होगी आपकी? यदि हमको टिकट कांग्रेस पार्टी देती है तो कांग्रेस पार्टी खुद जो है अभी संगठन का काम कर रही है, बूथ लेवल से लेके आपका पंचायत लेवल, मंडल से सारे कमेटी का दुरुस्त किया जा रहा है। मैं भी कई पंचायत का भी दौरा किया हूँ और देख रहा हूँ कि हर जगह जो है पंचायत और बूथ का जो संगठन बन रहा है और बना भी है, तो इसे में हम पार्टी पर भी निर्भर है। और कुछ जो है हमारे जो है जातीय समीकरण में भी हम अपना फीट बैठ रहे हैं रांची लोकसभा में, तो अगर हमें पार्टी देती है तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, चूँकि हम संगठन से ही बढ़े हैं, संगठन से ही निकले हुए नेता हैं, इसलिए हम किसी भी तरह से हम अपना जो है भूल नहीं हो सकता है, चूँकि हम एक एक लोग को पहचानते हैं, एक एक बूथ का आदमी को हम जानते हैं कि कौन बूथ में किसका वोटर है, कौन बूथ में, चूँकि हम 30-35 साल से जो है इसी लाइन पर ही कई लोगों को चुनाव भी मैं लड़ा चुका हूँ, कई नेता भी हम लोग अपना बनाए हैं जो आज विधायक भी हैं, सारे चीज़ हैं। इसलिए हम लोग जो भी है हमको अगर यदि पार्टी देती है तो हम अपना मैनेजमेंट के अनुसार, पार्टी के मैनेजमेंट के अनुसार चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। जैसा कि रांचीवासी आपको जानते हैं, आप बहुत ही मतलब जुझारू नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता से आपका लगाव है, और अगर पार्टी हाईकमान आपको संज्ञान लेती है, पार्टी टिकट देती है, राष्ट्रीय सांसद लोकसभा चुनाव के लिए आपको टिकट देती है, तो आप लोगों के बीच जाके क्या संदेश देंगे, किस कैसे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यदि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है और लोगों के बीच में यही संदेश दूंगा कि जो जमीनी स्तर का जो काम है, जो जमीन से जुड़ा जो समस्या है, क्योंकि मैं जमीनी स्तर का नेता हूँ, जमीनी का समस्या जो है वो सारा चीज़ मुझे मालूम है और मुझे किसी तरह का किन्हीं को बताने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस गांव में ये समस्या है, इस गांव में वो समस्या है, करीब करीब मैं रांची जिला के सभी गांवों में अपना भ्रमण कर चुका हूं और जानता हूं कि समस्या क्या है, और लोगों को समस्या तक पहुंचने के लिए मैं खुद ब खुद उनके पास जाऊँगा और उनकी समस्या को निदान करूँगा, यही मैं चाहता हूँ। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है और किस मुद्दा को लेकर आप जनता के पास जाएंगे? अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो वर्तमान सांसद है संजय सेठ, पूरी तरह गोन हो चुके हैं और ये जो लग रहा है कि ये सिर्फ मोदी के हवा में जीत के आए थे और जनता से पूरी तरह कट गए हैं और जनता उन्हें खोज रही है कि आखिर ये सांसद जो हम लोग चुने थे वो सांसद कहाँ है। पार्टी स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता देगी, आपको क्या लगता है? जिस तरह से झारखंड में इस बार जो है स्थानीयता का मुद्दा जो है पूरे क्षेत्र में चल रहा है, उससे लगता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम स्थानीय होने के नाते इस बार मुझे टिकट देगी पार्टी, मुझे विश्वास है। आज तो आपकी सरकार राज्य में है और आपके जो राज्य में जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और वो भी तो बहुत तरह के वादे किए थे, और आज जो है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो ब्लेम लगा रही है कि सरकार जो वादे किए थे वो पूरी तरह विफल है, तो आप इस क्षेत्र में जब जाएंगे चुनाव के लिए तो क्या कहेंगे जनता को, कैसे आप उनको वोट ये करेंगे? जी नहीं, हमारा जो गठबंधन की सरकार है, जो भी वादा की थी रोजगार का मामला हो,
आज 50,000 जो आप देखेंगे रोजगार हमारा मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं और कई लोगों को रोजगार दे चुके हैं और वाल्मीकि आवास का जो भी योजना है उसको भी पूरा करने का काम कर रहा है। इंदिरा आवास का भी जो आवास योजना है वो सारा चीज़ योजना को जो है लागू कर रहा है। और अभी हाल में अभी जो आपके द्वार कार्यक्रम लगा के जो भी जन समस्या है उसको खूब अच्छी तरह से जनता के बीच पंचायत के बीच जाके हम लोग निदान कर रहे हैं। इसलिए सरकार जो है काम कर रही है। अगर विपक्ष हम पर आरोप लगाती है तो आने वाला अपना जो 2000 के बाद जो हाँ भाजपा की ही सरकार थी उसको आंकड़ा देखिए और जो हमारे जो गठबंधन की सरकार जो 5 साल चली है उसका आंकड़ा देखिए तो हमको आपको लगा होगा कि हर क्षेत्र में सड़क का क्षेत्र हो बिजली का क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र में जो है आज हम सरकार अव्वल हैं। क्योंकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना और हमारा काम है काम करना। अगर पार्टी हाईकमान आपको टिकट देती है लोकसभा के लिए और आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप किस चीज़ को फोकस करेंगे, क्या मुद्दा होगी जिसको आप पहला प्राथमिकता देंगे? सबसे बड़ा है अहम मुद्दा यहाँ रोजगार की, जो भारी संख्या में हमारे लोग रोजगार हो चुके हैं। देखिएगा गांव-गांव में ताश खेल रहे हैं, आपको शराब पी रहे हैं, ये सारे मुद्दा बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा हम उठाएंगे और इसमें रोजगार कैसे हो इसके लिए हम जब सदन पर बैठेंगे तो इस सारा आवाज़ जो है जनता की जो आवाज़ रहेगी हम उसको उठाएंगे। अभी जो है वर्तमान में हमारे झारखंड राज्य से झारखंड प्रदेश बहुत सारे लोग हैं आज जो बेरोजगार जो दूसरे राज्य में जाके मतलब वो मजबूर है प्लायन करते हैं दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, उसको आप कैसे अगर आप सांसद बन जाते हैं आप चुनाव में जीत जाते हैं तो कैसे आप प्लायन करते हैं? प्लायन तो रुकेगा क्योंकि मेरा यहाँ रोजगार के संबंध में आज जो हमारा जो वर्तमान सांसद थे संजय सेठ रोजगार के बारे कहीं नहीं उठाए, सिर्फ केंद्र सरकार की योजना को ला के अपना वोट चमकाए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी है सदन में अपना बात रखेंगे, जो है इन्वेस्टर होगा उनसे बात करेंगे, जो यहाँ लगाएंगे जो निजी छोटा छोटा उद्योग होगा वो सारा चीज़ को यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि रांची में बैठे और यहाँ का रोजगार मिले, जो पलायन हो रहा है रांची में वो रुके। अंतिम में आप रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अंतिम में मैं रांची लोकसभा क्षेत्र के जितने भी तमाम बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी है उससे मेरा अनुरोध होगा यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मुझे भारी मतों से अपना मत का प्रयोग करेंगे।